नमस्कार आराधना किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत मु आराधना आज आपण सहित गैस चुलारे केमती चतुपत्र पोड़ा बनैबा तार रेसिपी शेयर करबी। जदि आपण को मो रेसिपी गुडी का भल लागुचि मो चैनल को लाइक करंतु, फ्रेंड किंबा फैमिली मेंबर का सहित को शेयर करंतु। जदि आपण मो चैनल को नुआ आछंती पर्यंत सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करनांतु, जादरा कि मा अपलोड करथवा सब न्यू फुटेज रो नोटिफिकेशन आपण प्रथम मिल जइबो। चलन मने स्टार्ट करबा। प्रथमे आमे गोटे ब्लेंडिंग जार नै जिबा आ सेथिरे 5 टीस्पून सोरिष पकाइ दबा। गोटे टीस्पून जीरा, चारटा सुखला लंका, 9-10 कोळ हबो रसुण। एबे आमे एथिरे आवश्यकता अनुसार पानी आड करके आकु बथरवा पई 15 मिनिट रखि दबा। तापर आमे आकु ग्राइंड करके आरो गोटे फाइन पेस्ट तैयार कर दबा। एबे आमे नेक्स्ट स्टेप को जिबा। एठे मु 200 ग्राम हबो छतु को एमती का छोट छोट करके काटि रखि छी। गोटे छतु को मु 4 भाग करके काटि दे छी आ एठे मु बॉटम छतु नै छी। बॉटम छतु जगह आपण पाळो छतु नियंतु, आरो टेस्ट आउरी बहुत बढ़िया लागिबो। जेहेतु मु जोठी रहूची सेठी पाळो छतु मिळुनी, तेणु मु आज आपनको बॉटम छतु रे ही करिकि देखैबी। जदि आपनको पाळो छतु मिळुनी ताले आपण एमतिका बॉटम छतु रे मध्ये करि परिबे। बॉटम छतु रे मध्ये एटा बहुत भलो लागे। नेक्स्ट आमे एथिरे गोटे बड़ साइज रो प्याज पकाइ दबा आ सबु जिंसो को एकदम छोट छोट करिकि काटि दबा। काहेकि ना छतु सिझिया पई बहुत कम टाइम लागे। आमे जदि बाकी इनग्रीडियंट को बड़ बड़ कर दबा ताले मे बी सिझि न पारे। नेक्स्ट आमे एथिरे गोटे मीडियम साइज रो टमाटर को काटिके ऐड कर दबा। तापर आमे 5-6टा हबो लंका पकाइ दबा। गोटे लंका को मेंती मझेरु चीरा लगे नै छी। गार्निशिंग पई 8-10 कळ हबो रसुण। रसुण को मध्ये मेंती छोट छोट करके काटि दै छी। रसुण क्वांटिटी टिके अधिक करके पकाइले एटा हेगला परे बहुत टेस्टी लागे रसुण उडा को। एबे आमे स्वाद अनुसार एथिरे लूण पकाइ दबा। 1/2 टीस्पून हळदी गुंड, 2 टेबल स्पून आमे बेसर ऐड कर दबा। नेक्स्ट एथरे 4-5 टेबल स्पून हबो सोरिष तेल ऐड कर दबा। तेल रो क्वांटिटी टिक्के अधिक रखिबा, टिक्के अधिक पकेले आरो टेस्ट बहुत भलो आसीबो, नहले टिक्के सुखा सुखा लागिबो। ते आमे ए सब को भलो रे मिक्स कर दबा आ मिक्स कला परे आकु 10 मिनिट पई छाड़ दबा। एठे एटा भल रे मिक्स हे जाई छी। एबे आमे नेक्स्ट स्टेप को जिबा। मै एठे गोटे कदळी पत्र रखि छी। कदळी पत्र रे आमे प्रथमे तेल लगे दबा। तापर आमे आकु नियारे टिके सेकी दबा। नियारे एमती टिके सेकी देले एटा टिके सॉफ्ट हे जइबो, जहादरा कि आमे आकु जते बेले बांधिबा एटा फाटिबोनी। कदळी पत्र को भलरे सेकिला परे मु 2 खंड करके काटि दै छी। गोटे पत्र को मु तळे रखि छी आ गोटे पत्र को ता उपरे रखि छी। एबे आमे गोळे के रखिथिबा छत्तु को एथिरे ढाई दबा। मोर कदळी पत्र टा जेहेतु छोट अछि, गोटे पत्र रे ऐड करले भलरे बांधी होउनी, तेणु मु आउ गोटे पत्र को अधा बाहर कर दउछि। आपण को पत्र जदि बड़ थिबा आपण गोटे पत्र रे मध्ये बनै परिबे। एबे आमे आकु भलरे बांधी दबा। प्रथमे आमे कदळी पत्र को चारिपटु भलरे फोल्ड कर दबा। तापर आकु सूता सहाय्य रे भलरे गुड़े गुड़े का बांधी दबा। लास्ट को इतरे भलरे गंठी पकाइ दबा। राइट रे गंठी जदि लूज हो जाए आमे जते बळे आकु ओल्टेबा सेते बळे खुली जिबार चांस बहुत थाए। गंठटा को आपण टिके टाइट करके पकेबे। एटा हेगला मु आउ गोटे मध्ये बनै दै छी।
ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ହବ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦବା, ଆଉ ତେଲକୁ କଡ଼େଇ ଚାରିପଟେ ଭଲରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଆ ଉପରେ ରଖିଦବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କଭର ହଟେଇ ଦବା ଆଉ ଆରପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଓଲଟେଇ ଦବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁରୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା, ଅଧା ମରିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଓଲଟେଇଲା ପରେ ଆକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ କଭର କରିକି ବସେଇ ଦବା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ମରିଯାଇଛି। 25 ମିନିଟରେ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ପାଣି ଥିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ପୁରା ମରିଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଛତୁପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ହୋଟେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଛତୁପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଛତୁକୁ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ତେଲରେ ଆଉ ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାପରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।